हेलो, तो आज हम बात करेंगे गल्फाड्रिल सिरप के बारे में, जो कि सिरप को खांसी में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, कैसे का प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसे का साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये गल्फाड्रिल सिरप जो कि गल्फा लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 106 रुपये है, जो कि 100 ml पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ देखते हैं डीफेनहाइड्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, मिंथॉल। और इधर को देखते हैं डीफेनहाइड्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड 14.08 mg, अमोनियम क्लोराइड 138 mg, सोडियम साइट्रेट 57.05 mg, मिंथॉल 1.14 mg अवेलेबल है। दोस्तों गल्फाड्रिल सिरप जो कि खांसी का सबसे बढ़िया सिरप है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, खांसी हो तो खांसी में यूज कर सकते हैं। नंबर 2, सूखी खांसी हो। नंबर 3, धसके वाली खांसी हो। नंबर 4, एलर्जी वाली खांसी हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 5, गले में जलन हो। नंबर 6, बार बार नाक बहना तो उसमें भी यूज कर सकते हैं सिरप को। नंबर 7, खांसी के साथ साथ अगर आपको छींक आ रहा हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 8, आंखों से पानी आना नजले खांसी की वजह से तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी फायदेमंद है ये सिरप। तो दोस्तों इस सिरप को इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में, यूज कैसे करें। एडल्ट बड़े को 10 से 15 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं और चाइल्ड 3 से 5 साल तक को 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं और 5 से 15 साल तक को 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं सिरप को। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर सिरप आप यूज करें तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर 1, लीवर पेशेंट यूज ना करें सिरप को। नंबर 2, ड्राइव करते वक्त भी यूज ना करें सिरप को। नंबर 3, बार दफा आप अल्कोहल लेते हैं तो भी ना लें सिरप को। नंबर 4, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें सिरप के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस सिरप के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर बार दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस सिरप का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो गल्फाड्रिल सिरप के बारे में, जो कि खांसी का सबसे बढ़िया सिरप है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया है। जो कि खांसी हो, जुकाम हो, नजला हो, धसके वाली खांसी हो, उसके लिए बढ़िया सिरप है। और दोस्तों अगर ये सिरप आपको नहीं मिले तो आप दूसरी कंपनी में ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।